कुंभकर्ण की नींद से जागा आबकारी विभाग, खबर का असर देखने को मिला। जी हां, जबलपुर में आज से दो दिन का लॉकडाउन लगा है और इस लॉकडाउन में शराब माफिया अवैध शराब खपाने की तैयारी में थे कि उससे पहले ही आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन में लाए जा रहे 3 वाहन जब्त कर लिए हैं। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलग ही ट्रक और एक अन्य कार आबकारी विभाग को लावारिश हालत में मिली है, जिसके मालिक की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी, जहां से मिली 6 लाख रुपए से ज्यादा की शराब। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के दौरान जबलपुर शहर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब खपाई जा सकती है। इसी सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने विजयनगर के पास अपना जाल बिछाया और इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि विजयनगर के पास अवैध शराब से भरा एक ट्रक और एक वैन खड़े हुए हैं। सूचना पर आबकारी विभाग मौके पर पहुंचा तो उन्हें लावारिस ट्रक और वैन में करीब 117 पेटी अवैध अंग्रेजी और देसी शराब मिली। हालांकि मौके पर कोई आरोपी आबकारी विभाग को नहीं मिला। बताया जा रहा है कि ट्रक और वैन में दमोह से अवैध शराब लाकर जबलपुर में खपाने की योजना थी। कटनी से भी आई कार से बरामद हुई शराब। इसी कार्यवाही के दौरान आबकारी विभाग को भनक लगी कि कटनी से भी एक कार शराब लाई जा रही है। इस कार को गोहलपुर के पास रोका तो उसमें से करीब 17 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब मिली। आबकारी ने कार चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। लॉकडाउन में शराब को खपाने की थी पूरी तैयारी। आरोपियों का इरादा इस बार साफ था कि दूसरे शहरों से लाकर अवैध शराब को जबलपुर में आसानी से खपाया जा सकता है। यही वजह है कि लॉकडाउन के पहले ही आरोपियों ने बड़ी मात्रा में शराब को शहर में लेकर आ गए थे, पर इसे शहर में खपाने की जो ख्वाहिश आरोपियों की थी वह पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल आबकारी विभाग ने तीनों ही वाहनों को जब्त कर लिया है, साथ ही वाहन मालिकों की तलाश में भी विभाग जुट गया है। लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि लॉकडाउन जब जबलपुर में रहता है उस वक्त जो है तो अन्य जिलों से अवैध शराब जो है तो लाकर यहाँ खपाया जाता है। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने टीम गठित करके और अन्य जिलों से आने वाली अवैध शराब की रोकथाम के लिए जो है तो मुखबिरी लगाई हुई थी। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि दमोह से ट्रक में माल आ सकता है और उसी मुखबिरी पर जो है तो काम करने के लिए जो है तो हमने विजयनगर के आसपास अपने मुखबिर बिठाए हुए थे। तो पता लगा कि विजयनगर में कल 3 बजे के आसपास जो है तो ट्रक आकर के और जेडीए स्कीम नंबर 41 के पास, जहां प्रिंस ब्राज होटल है, उसके आगे एक ट्रक जो है तो वहां रुकी हुई है। उसकी तलाशी लेकर देखेंगे तो हो सकता है अवैध शराब मिले। तो वहां जाकर के देखे तो चूंकि मौके पर कोई व्यक्ति था नहीं, एक घर के पास जो है तो ट्रक लगा हुआ था लेकिन वहां कोई व्यक्ति था नहीं। तो उसकी तलाशी ली गई तो 132 पेटी के आसपास जो है तो देसी और विदेशी मदिरा बरामद की गई है। उसको जो है तो जब्ती कार्यवाही के तुरंत बाद जो है तो एक और मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक हुंडई एक्सेंट कार से जो है तो कटनी से माल आ रहा है। उसकी घेराबंदी करके कटंगी बाईपास के पास जो है तो उसको भी रोका गया और उसमें जो है तो 7 पेटी रॉयल सेलेक्ट विदेशी मदिरा जब्त की गई है। और एक वर्षा सुजुकी इको क्या बोलते हैं वैन, उसमें भी जो है तो 12 पेटी मसाला मदिरा जब्त की गई है। इस तरह कल जो है तो 3 गाड़ियों को अलग अलग जगह से जब्त करके और प्रकरण दर्ज किया गया है। ये सारा मदिरा जो है तो लॉकडाउन में खपाने की तैयारी थी। लगभग कितने पैसे? लगभग तीनों प्रकरणों के मदिरा जो है तो लगभग 6.5 से 7 लाख के आसपास का है और गाड़ियों की कीमत जो है तो गाड़ियों की कीमत अगर मिला लें तो 20 लाख के आसपास हो जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।